तो अभी मेरे पास है यामा FZX ऑरेंज कलर है और नई नई लॉन्च हुई है भाई ये FZ की एक और नई बहन बोल सकते हो आप इसको। तो ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें तीन कलर आते हैं अभी शोरूम पे, ये अवेलेबल है और ये ब्लूटूथ वेरिएंट भी है भाई। तो आपको दिखाता हूँ कैसी क्या चीज़ है, काफ़ी बड़ा लग रही है दिखने में, आप देख सकते हो एक अलग ही लुक आ रही है बाइक की। तो स्टार्ट करते इसके फ्रंट से, तो फ्रंट देख लो इसका सबसे पहले, तो उस वाली FZ से तो काफ़ी अलग, जो FZ V3 आती है उससे काफ़ी अलग लुक है, टूरिंग के लिए बनाई है यार ये बाइक स्पेशली। तो हेडलाइट मिल जाती है आपको LED, बीच में आपको प्रोजेक्टर भी देखने को मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है, आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है और LED की वजह से लुक भी अच्छी आई, जो ये रिंग में दे रखी है तो इस वजह से लुक काफ़ी बढ़िया लग रही है बाइक की भाई। और इंडिकेटर भी आपको हेलोजन मिल जाते हैं यार, और जो सस्पेंशन है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट में, और यहाँ पे बुश भी दे रखा है, तो बुश का फ़ायदा यह है मिट्टी वगैरह ना जाए अंदर, जैसे भी आप कभी ऑफ रोडिंग वगैरह भी करो तो, और लीकेज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी। और जो मड गार्ड आपको स्पेशली ये चीज़ मेटल में दे रखी है, ये देख सकते हो आप, तो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दे रखी है, तो आप ऑफ रोडिंग वगैरह करोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लॉन्ग टूर पर आराम से ले जाओ। यहाँ पर कवर भी दे रखा है आपको मेटल का, ABS की बैचिंग मिल जाती है, क्योंकि आपको इसमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है बाइक में, तो सेफ्टी के लिए ठीक है, और 150 cc है तो सिंगल चैनल भी ठीक है इसका। एंड इसमें फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क भी मिल जाता है आपको साथ में, तो ब्रेकिंग अच्छी है बाइक की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ब्रेकिंग के मामले में। तो टायर की बात करूँ तो MRF के टायर दे रखे हैं, ब्लॉक टायर्स दे रखे हैं, आप देखते हो ब्लॉक डिज़ाइन दे रखा है टायर का, तो ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए स्पेशल है, ग्रिप अच्छी आएगी। और ये MRF के टायर है, रेडियल ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं भाई, तो सही टायर है। और बाकी जो एलोय हैं ब्लैक कलर में, ग्लोसी ब्लैक में, ऑरेंज स्ट्रिप्स दे रखी है, बाइक के कलर साथ मैच भी हो रही है, बढ़िया लग रही है भाई। और पीछे की तरफ चलूं तो भाई एक बार इसकी साइड प्रोफाइल ले लो आप, काफ़ी अमेजिंग बाइक लग रही है, मतलब थोड़ा सा जो स्क्रैम्बलर होती है डुगाटी उस जैसी इसकी लुक आ रही है, अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे ना तो काफ़ी बढ़िया लगेगी बाइक। और जो फ्यूल टैंक है 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, बट ये मैट फिनिशिंग दे रखी है, जो ऑरेंज कलर मैट में है ना, काफ़ी प्रीमियम प्रीमियम लग रहा है, काफ़ी प्रीमियमनेस फीलिंग आ रही है, जैसे आप हाथ लगाओगे तो काफ़ी अच्छा फील आने वाला है आपको। बीच में आपको जो ब्लैक ये दे रखा है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो टैंक पैड की तरह दे रखा है बीच में, ये भी सही है, और इसकी वजह से लुक भी आ रही है। तो 10 लीटर का फ्यूल टैंक है, थोड़ा सा कम बोल सकते हो, बट ठीक है, माइलेज अराउंड दे देगी आपको 40 से 45 km/h के बीच में। और जो FZX की बैचिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे 3D में, सिंपल सी है, कुछ ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलते। और साइड काउल में आपको यहाँ की बैचिंग मिलती है। बात कर लूँ इसके इंजन की, तो इंजन का पार्ट भी इसमें आपको ब्लैक में दे रखा है, तो इंजन मिल जाता है इसको 149 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है आपको यहाँ पे, और FI है और BS6 इंजन है भाई, तो स्मूथ है, और FZ का इंजन तो वैसे ही रिफाइंड होता है यार, तो काफ़ी स्मूथनेस मिलेगी बाइक में आपको। और पावर की बात करूँ तो पावर इसमें 12.4 bhp मिल जाती है, एंड टॉर्क मिलती है 13.3 Nm, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा तो पावर नहीं है बट इस इंजन के हिसाब से ठीक है भाई। फुट पैक्स भी इसके फॉरवर्ड सेट हैं, तो कंफर्टेबली राइड करने वाले हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे की तरफ आपको मड गार्ड के पास यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा सा मड से गार्ड करेगा इंजन को, तो ये मतलब स्पोर्टी तो नहीं है, सिंपल है, सही है। यहाँ पे आपको मेटलिक गन फिनिश दे रखा है, अच्छा लग रहा है ये वाली चीज़। बाकी पीछे की तरफ चलूँ तो एग्जॉस्ट देख लो, इसका एग्जॉस्ट भी ब्लैक में दे रखा है फुल, ये भी मैट में डिज़ाइन है। एग्जॉस्ट की साउंड आपको मैं सुना दूंगा, एग्जॉस्ट नोट सुनो गाइस, काफ़ी बेस ही आ रहा है इसका। और सीट की बात कर लेते हैं, तो सिंगल सीट है, और पैडिंग देख सकते हो आप कितनी मोटी दे रखी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग अच्छी आएगी सीट पे, जैसे आप लॉन्ग राइड करो सिटी राइड करो सही है, बट ये दो ही बंदे बैठ सकते हैं इजीली इस पे आराम पे, ऐसी तीन बंदे बैठाने की मत सोचना भाई वैसे भी। और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको पिलियन ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा फैशनेबल नहीं दे रखा। LED लाइट मिल जाती है पीछे, मतलब छोटी सी है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, सही लग रही है, अट्रैक्टिव सी लग रही है, अच्छी लग रही है बाइक की लुक है ना, उस हिसाब से ठीक है, रेट्रो रेट्रो फीलिंग दे रही है। और इंडिकेटर भी इसका आपको हेलोजन मिल जाते हैं, पीछे की तरफ आपको ये छोटा सा मड गार्ड मिल जाता है, यहाँ पर आप नंबर प्लेट वगैरह लगा लो तो ठीक है। और टायर की बात करूँ पीछे की, तो इसका जो टायर है ये देख लो, काफ़ी रेडियल है प्रोफाइल, MRF के टायर है मैंने बताई, तो 140 सेक्शन का रियर टायर मिल जाता है आपको यहाँ पे, ऊपर की तरफ ये मडगार्ड मिलता है, तो अगर इसको आप हटाओगे तो लुक और बढ़िया है, क्योंकि एक तो ये देख लो इसका जो गैप है बीच में टायर और इसके बीच में तो काफ़ी है, तो इसके बाद अगर आप हटाओगे तो काफ़ी ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग आएगी आपको यहाँ पे। और इसके वेट की बात करूँ तो बहुत लाइट है यार ये, 139 kg इसका कर्व वेट है, दिखने में भारी लगती है बट बहुत ज़्यादा लाइट है अगर आप बैठ के देखोगे चलाओगे तो। और जो इसका 5-speed इसका गियर बॉक्स देखने में जाता है, 5-speed का, तो स्मूथ है गियर बॉक्स, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। साइड स्टैंड मिल जाता है आपको विद डुअल स्टैंड के साथ, और इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी देखने को मिल जाता है,
टॉप स्पीड की बात करूं तो वही एफ जेड की तरह यार उतनी जाएगी 115-120 km/h, बस उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी टॉप स्पीड में तो ये। और ग्राउंड क्लियरेंस और दिखा देता हूँ इसका एक बार आपको, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ये थोड़ा सा कम बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक ही है। सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता आपको यहाँ पे, डुअल हॉर्न नहीं मिलता। और अब चलते हैं इसके हैंडल बार की तरफ, तो ये देख लो अप राइट हैंडल बार ही है, तो कंफर्टेबली राइड करो, हाथ में पेन नहीं होगा। क्लच है, वेट मल्टीप्लेट है, बट लाइट है भाई, बिल्कुल लाइट फील हो रही है, हार्ड नहीं फील हो रही कहीं से भी। बटन क्वालिटी ठीक है, प्रीमियम तो नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा तो, बट इतनी बेकार भी नहीं, अच्छी है। मिरर सिंपल दे रखे हैं, विजिबिलिटी काफ़ी सही होगी इसकी। और जो की दिखा देता हूँ इसकी, तो सेम जो एफ जेड आती है उसकी जैसी इसमें की मिलती है आपको, सेम वही की होल यहाँ पे मिल जाता है टैंक पे। और इसमें एक चीज़ नई वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लो मीटर से पहले, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट पावर सॉकेट दे रखा है, यहाँ पे आप अपना वो लगा के फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो जब भी आप ट्रिप पे जा रहे हो। तो लोकेशन भी इसकी काफ़ी सही दे रखी है यार, ये बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। और इसमें आपको स्मार्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, वो आप जब खरीदोगे शोरूम वाले आपको लगा के देंगे। तो मीटर देख लो, इसका डिज़ाइन देख लो एक बार, ऐसा कुछ पॉपअप होके आता है भाई, इको की वो भी आई, इसमें लाइट दिखाया था, इंडिकेटर यहाँ पे आरपीएम इंडिकेटर दिखाते हैं, फुली डिजिटल मीटर है इसका, नेगेटिव डिस्प्ले दे रखी है। यहाँ पे आपको ट्रिप वन दिखाती है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गोज, आरपीएम मीटर, और इसको आप बटन दे रखा है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ट्रिप एफ, ये आपको टाइमिंग भी दिखाती है, और ये ओडोमीटर, फुली डिजिटल मीटर है। और इसमें ही आपको यहाँ पे कॉल्स वगैरह दिखा देगी, जब भी आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे सारे फीचर्स इसमें ब्लूटूथ वाले यहाँ दिखा देगी, यहाँ पे यहाँ हमारी छोटी सी बैचिंग मिल जाती है। और बाकी अभी इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट है नहीं, वो जब कंपनी लगे मतलब खरीदोगे आप, जब आपको शोरूम वाले लगा के देंगे, तो ये सही चीज़ है। आपको पावर अडेप्टर मिल जाता है, ये मेरे को अच्छी लगी। बाकी देख लो यार, काफ़ी अमेजिंग बाइक लग रही है, एकदम बढ़िया लुक आ रही है, काफ़ी प्यारी लग रही बाइक दिखने में। तो बात करूँ प्राइस की, तो इसका प्राइस मिल जाता है, ये ब्लूटूथ वेरिएंट है, 1.19 lakhs इसका एक शोरूम है, ऑन रोड पड़ती है अराउंड 1.40 lakhs 200 rupees। तो ठीक है यार, और जो इसका ब्लूटूथ नॉन ब्लूटूथ वेरिएंट है वो आपको 3000 rupees सस्ता पड़ेगा, मतलब 1,37,000 rupees ऑन रोड गुड़गांव में। बाकी मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी है, काफ़ी बढ़िया लगी बाइक, और कलर्स आएंगे तो मैं उसकी वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। बाकी आप कमेंट करके बताओ कैसी लगी मतलब बाइक, मेरे को तो स्पेशली बहुत बढ़िया लगी, एडजस्ट लो और लाइक कर दो। और हाँ यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते नहीं, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ बट मेरे को लग रहा है बोलना ही पड़ेगा, तो फटाफट सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, खुश रहो, बाय।